चिल्लर थाना क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीण ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर दूसरे संप्रदाय के लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन लोगों की मारपीट से उसके दोनों बेटे और वह घायल हो गए। घायलों ने थाने पहुंचकर अपने साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने घायलों को उपचार व मेडिकल हेतु जिला अस्पताल भेज दिया है। जनपद के छजलैट थाना क्षेत्र के रहने वाले एक ग्रामीण ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर दूसरे संप्रदाय के लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। ग्रामीण का कहना है कि उन लोगों की मारपीट से उसके दोनों बेटे और वो घायल हो गए। घायलों ने थाने पहुंचकर अपने साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घायलों को उपचार और मेडिकल हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। घायलों का उपचार चल रहा है। छजलैट थाना क्षेत्र के गांव कीरतपुर के रहने वाले मनफूल का कहना है कि उसकी पुत्रवधु खेत पर काम कर रही थी। आरोप है कि इस दौरान छजलैट थाना क्षेत्र के गांव उमरी कला के रहने वाले दूसरे संप्रदाय के कुछ लोगों ने उनकी पुत्रवधु के साथ छेड़खानी की। पुत्रवधु ने घर पर आकर बताया तो वो उन लोगों के पास शिकायत लेकर पहुंचे। आरोप है कि उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और बेटे तुलाराम और चंदन बचाने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट हुई। पीड़ित ने थाने पहुंचकर अपने साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी। बेइज्जती करनी चाहिए तो बहू ना आए हमसे कही। जब हम गए तो उन्होंने हमारे संग में हत्या पाई करी। क्या मारा ये? ये हमारे डंडा मारा, चाकू ले रखा था, उन्होंने चाकू भी चलाया लड़के पे। नाम पता है आपको? क्या क्या नाम है लोग? मशहूर नाम है बाबू। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? उमरी कला और मंझाइर। तो वो आपके गांव की तरफ क्या करने आए थे? हम ने खेती कर रखी हूँ। अच्छा, हम अपनी मुंजी लगाने गए थे बटाई की खेती कर। बटाई के खेतों में। पुलिस ने सभी घायलों को उपचार और मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।